the general term for the process of starting, directing and maintaining physical and psychological activities. ये सारी चीज़ें आएंगी ना. हमने कोई काम शुरू किया, उसको डायरेक्ट किया, मेंटेन किया, यानी हर एक चीज़ हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड है. व्हाई डू वी एक्ट, हम एक्टिविटी क्यों शुरू करते हैं, चाहे वो कोई मेंटल एक्टिविटी है, साइकोलॉजिकल या फिजिकल एक्टिविटी है. वो सारी की सारी मोटिवेशन या मूवमेंट या मूव से, ये सारे एक ही वर्ड के एक तरह से माखज़ हैं. मोटिवेशन इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट दैट कलेक्ट ऑल द इंटरनल मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन प्रेफरेंस फॉर वन एक्टिविटी ओवर अनदर, विगर ऑफ रिस्पॉन्स. प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि हमने क्यों चूज़ किया कि हम उठकर पानी पिएं, और हमने क्यों उठकर पंखा बंद किया, जिसकी हमें सर्दी लग रही थी या हमें प्यास लगी हुई थी. हमने कोई एक मोटिव को, जो एक हमारा कोई स्टिमुलस है आउटर, उसको हमने इग्नोर किया और दूसरे स्टिमुलस का हम अहमियत दे रहे हैं. ये सारी की सारी चीज़ें दरअसल डिसाइड करती हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हरकत दिए रखते हैं. परसिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ एक्शन टुवर्ड रेलेवेंट गोल्स, और किस तरह से हम अपने गोल्स को डिटरमिन करते हैं. बेसिकली जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है वो है हमारे टाइप्स ऑफ मोटिव्स. लेकिन जो हमारी मोटिवेशन है उसकी एक तरह से नेचर ऑफ मोटिवेशन अगर क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ इसकी मेन डेफिनेशन लिखेंगे, इसके इंटरनल मैकेनिज्म्स के हवाले से ये तीनों एस्पेक्ट्स लिखेंगे, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि दरअसल हमारी जो बॉडी है, हम फिज़िकल सिर्फ बात करते हैं इस टाइम पे, जिस तरह से कि हमारी बॉडी के अंदर एक फिज़िकल सिस्टम मौजूद है. हमारी बॉडी एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस्ड स्टेट एक्वायर किए रखना चाहती है. हमारी बॉडी एक सर्टन बॉडी टेम्परेचर रखती है, एक सर्टन ब्लड प्रेशर, बॉडी के अंदर एंजाइम्स की सिक्रीशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिक्रीशंस, हमारी बॉडी के तमाम इंटरनल सिक्रीशंस और प्रोसेसेस एक बैलेंस्ड स्टेट पे चलते हैं. उनमें एक मामूली सा रद्दो बदल भी एक अपसेट क्रिएट करता है और हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं. होमोस्टेसिस को दरअसल इक्विलिब्रियम या बैलेंस्ड स्टेट कहा जाता है. तो हमारी बॉडी में एक टेंडेंसी है टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल स्टीडीनेस. तो वो जो ही उसके अंदर कोई चीज़ कम या ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देती है और हम फटाफट उठ के दौड़ पड़ते हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए. जैसे कि जिस्म में पानी की मकदार कम हो गई है तो हम उठ के दौड़ पड़ेंगे और पानी पियेंगे ताकि हम अपना होमोस्टेसिस बैलेंस आउट कर सकें. तो ये हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है, हमारी मूवमेंट्स की एक बेसिक जो आइडियोलॉजी है वो होमोस्टेसिस पे रिलेटेड है. ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है. फैक्टर्स या एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिव क्या हैं? यूजुअली एक साइकिल ये किस तरह से चलता है, इसको मोटिवेशन साइकिल भी कहा जाता है, और सिगमंड फ्राइड ने भी इसको एक्सप्लेन किया है थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स के साथ. बेसिकली देयर इज़ अ नीड, नीड क्रिएट्स ड्राइव, ड्राइव से हम इंसेंटिव देखते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं. जैसे कि देयर इज़ अ ड्राइव, देयर इज़ अ नीड एंड अ ड्राइव. ड्राइव में क्या है कि बॉडी के अंदर कमी वाकया हुई है पानी की, हमें प्यास लगी है. थर्स्ट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ड्राइव इज़ द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, नीड इज़ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. इंसेंटिव, हमारे इर्द गिर्द पीने की क्या चीज़ मौजूद है भाई, पानी का ग्लास मौजूद है और उसको अंदर हम जग में से पानी डाल सकते हैं. इफेक्ट सेटिएशन, कि हमें अच्छा लगा है, हमारे बॉडी के अंदर रिस्टोर हो गया है वाटर लेवल, और ये टिल के दोबारा पानी की कमी होगी. इस तरह एक साइकिल चलता रहता है, दोबारा से कमी वाकया होगी. ड्राइव स्टेट, नीड, इंसेंटिव, इफेक्ट, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स में भी और हमारी फिजिकल नीड्स में भी यही सर्कल चलता है. नीड क्या है? फिजिकल डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग. नीड के अंदर एक फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसी की हम बात करेंगे कि वो पैदा होती है. ड्राइव क्या है? ड्राइव में दरअसल यूजली लेबल्ड एज मोटिवेशन फॉर एक्शन दैट इज ह्यूम टू बी प्राइमरी बायोलॉजिकली इंस्टिंक्टेड सच एज हंगर. हमें प्यास महसूस होती है, हमें भूख लगी, अब ये चीज़ नज़र नहीं आती. तो नीड ने दरअसल एक फिजियोलॉजिकल स्टेट क्रिएट की कि जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट या होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हुआ, उसके नतीजे में हमने एक इमोशन एक्सपीरियंस किया, एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जो ड्राइव स्टेट में आया. उसके बाद हमने उठ के इंसेंटिव ढूंढा. इंसेंटिव क्या है? एन एक्सटर्नल स्टिमुलस एंटीसिपेटेड एज रिवॉर्ड विच डायरेक्ट्स दी एंड एनर्जाइजेस बिहेवियर, इट इज़ कंसिडर्ड एज इंसेंटिव. तो हमने अपने इर्द गिर्द देखा कि हमें क्या चीज़ है जो हमारी ड्राइव स्टेट को रिड्यूस कर सकती है. इफेक्ट, जब हमने वो इंसेंटिव अचीव किया, जैसे हमने पानी पी लिया तो सेटिस्फेक्शन हो गई हमारी, हमारा होम्योस्टेसिस बैलेंस आउट हो गया.
अच्छा, अब ये जो सारी इसकी है कॉन्सेप्ट है होम्योस्टेसिस का, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। जैसे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी ज़रूरियात बना लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे लिए उससे रिलेटेड क्या इंसेंटिव है, हम पैसे कमाना चाहते हैं, इंसेंटिव देखते हैं कहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा पोटेंशियल है और उसका इफ़ेक्ट। लेकिन वो इफ़ेक्ट बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। होम्योस्टेसिस की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि होम्योस्टेसिस को बैलेंस आउट रखने के लिए हम हर टाइम मूव करते रहते हैं ना, यही बेसिक मोटिवेशन है होम्योस्टेसिस का, यही कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों हर वक्त बेचैन रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, क्योंकि फिजिकली और साइकोलॉजिकली भी वी आर अनएबल, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव होम्योस्टेसिस। कोई ना कोई एक ड्राइव है ना, आपने पानी पिए अब पेन रिडक्शन हो गया, पेन रिडक्शन हो गया हंगर ट्रिगर हो गई, हंगर ट्रिगर हुई अब गर्मी लगना शुरू हो गई है। या साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकली भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने कोई एक, हमने कहा ना हमने डिग्री अचीव करनी है, अब डिग्री फ़ौरन ही हम शुरू हो जाते हैं, वहीं पे खड़े खड़े डिग्री हाथ में है ना, अब शुरू कर देंगे, अब मैं जॉब कहाँ लूँ, मुझे स्कॉलरशिप कहाँ मिलेगी, अब इसके बाद मैं अब क्या करूँ, हम अपने नेक्स्ट गोल साथ ही सेट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये जो मोटिवेशन साइकिल है, दैट इज़ बेसिकली द थिंग दैट कीप अस कीप गोइंग, हमें ये चीज़ हर टाइम मूव करी रखती है। और अलामा इकबाल फरमाते थे कि जाविदा पहम रवा हर दम जवां है, ज़िंदगी हर टाइम चलती रहती है, जब तक हम मर नहीं जाते देयर इज़ समथिंग दैट कीप अस मोटिवेटेड।